नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का जो हमारा यूनिट है जियो साइंस का, उसके पीवाईक्यूज पे डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज आपके लिए होने वाला है। आपने सिंपली अपना नोटबुक और पेन लेके बैठना है, और जो भी पॉइंट हम यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करेंगे वो आपने बहुत अच्छे से नोट करना है। यहाँ पे हम वन बाय वन एक एक करके क्वेश्चन का जो है जन्म कुंडली पढ़ेंगे, उसके पूरे डिटेल जो है लेंगे क्वेश्चन के बारे में। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जून 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था उस पेपर से लिया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, जैसे कि स्टेटमेंट ए है, ह्यूमस गिव सोयल इट्स डार्क कलर। सेकेंड स्टेटमेंट है, ह्यूमिक एसिड इज इनसोल्युबल इन एसिडिक सोल्यूशन। थर्ड स्टेटमेंट है, पल्विक एसिड इज सोल्युबल इन एसिडिक सोल्यूशन। फोर्थ स्टेटमेंट है, ह्यूमिक एसिड हैज लोअर ऑक्सीजन कंटेंट कंपेयर्ड टू पल्विक एसिड। और लास्ट स्टेटमेंट है, क्ले पार्टिकल एक्ट एज कोलाइड इन वाटर। तो ये आपके पास में टोटल 5 स्टेटमेंट दिए हैं, और आपने करेक्ट स्टेटमेंट जो है सिलेक्ट करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है आंसर सिलेक्ट करना है। अब सबसे पहले जो है हमें इन सभी स्टेटमेंट के बारे में जानना है कि ये करेक्ट हैं या नहीं। जैसे कि हमारा पहला स्टेटमेंट है, ह्यूमस गिव्स सोयल इट्स डार्क कलर। तो जो ह्यूमस होता है, अगर हम इसकी बात करें, तो आपका जो सोयल है, सोयल में जब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसका जो है ह्यूमिफिकेशन होता है, उसका जो है डिकम्पोजिशन होता है, वो डिकम्पोज होता है और वो एक एंड प्रोडक्ट में ट्रांसफर होता है जो डार्क इन कलर होता है, और इसको ह्यूमस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमस जो है ये डार्क कलर का होता है और ये डिग्रेडेशन का एंड प्रोडक्ट है। जैसे ही ऑर्गेनिक मटेरियल धीरे धीरे डिग्रेड होगा तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि अब वो रेजिस्ट करना शुरू हो जाएगा, उसमें फर्दर डिग्रेडेशन जो है नहीं हो पाएगा। तो वो पार्ट है आपका ह्यूमस। ह्यूमस डार्क इन कलर होते हैं, इनका जो कलर है जो ये डार्क आपका ब्राउन, डार्क ब्राउन जैसा आपको दिखाई देता है, ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिक एसिड। तो इस तरीके से जो है आपका जो पहला स्टेटमेंट है, ह्यूमस गिव्स सोयल इट्स डार्क कलर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ह्यूमस के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, आपका सोयल डार्क कलर का, ब्राउन डार्क कलर का दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमें दो और कॉन्सेप्ट जो है क्लियरली याद रख लेने हैं कि व्हाट इज द ह्यूमस और व्हाट इज द ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमस क्या है, इट इज अ डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म्ड इन सोयल फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, प्लांट एंड जो आपके एनिमल्स का डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उससे ये फॉर्म होता है। और ह्यूमिफिकेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका ह्यूमस फॉर्म होता है, बनता है। ठीक है बच्चों, तो सिंपली ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ह्यूमस। अब हमारा जो ये स्टेटमेंट बी है और सी है, इनको एक बार फिर से देखते हैं। ह्यूमिक एसिड इज इनसोल्युबल इन एसिडिक सॉल्यूशन और पल्विक एसिड इज सोलुबल इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन पे हम बात करते हैं। तो ये जो आपका ह्यूमस है, अगर आप इसका फर्दर एनालिसिस करेंगे तो आपको तीन मेजर कंपोनेंट, तीन थ्री मेजर पार्ट मिलेंगे। सबसे पहले हमने अपने ह्यूमस को जो है एक्सट्रैक्ट किया एल्केलाइन सॉल्यूशन के साथ में, लाइक NaOH के साथ में हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया। तो हमारे पास में दो चीजें दो है, दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्रिसिपिटेट
जिनको हम ह्यूमंस कहते हैं, और दूसरा आता है हमारे पास में सॉल्यूशन। तो ये ह्यूमंस बना या जो फिल्टर पे रह गया, यानी कि जो प्रेसिपिटेट है वो फिल्टर पे रह जाएंगे, और जब हम उसको जो है फिल्टर करेंगे और नीचे सॉल्यूशन में जो पार्ट घुल जाएगा, जो पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, और जो डिसॉल्व नहीं होगा वो आपका उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं जिस पोर्शन के, उसको हमने क्या कहा, ह्यूमिन कहा। ये बेसिकली आपका इनसोल्यूबल होता है एसिड और बेस में। अगर प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा हम इन डेप्थ देखेंगे तो ये स्लाइटली सोल्यूबल होगा बेस में, है ना, बट इन कॉमन टर्म्स ये कहा जाता है, ये देखा जाता है कि ह्यूमंस जो हैं वो एसिड और बेस दोनों में इनसोल्यूबल होते हैं, दोनों में ये जो है नहीं घुलते हैं। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन आया, इसको हम फर्दर ट्रीट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं स्ट्रोंग एसिड के साथ में, HCl के साथ में। अब फिर से इसके दो भाग बन जाएंगे, टू पार्ट बन जाएंगे। हमने अपना सॉल्यूशन लिया, जो ये सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में हमने एसिड ऐड किया। एसिड ऐड करने के बाद में जो है हमने जो है उसको जो है अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में हमने उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद में जो प्रिसिपिटेशन है, जिसके प्रिसिपिटेट बने, वो है ह्यूमिक एसिड, और जो सोलुबल पार्ट आया वो है पल्विक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ह्यूमिक एसिड यानी कि जिसके प्रिसिपिटेट बने, वो बेस में तो सोलुबल है, परंतु बट इनसोलुबल है एसिड में। वो एसिड में सोलुबल नहीं होता है, और जो पल्विक एसिड है वो आपका एसिड और बेस दोनों में सोलुबल होता है। तो यहां से हमें क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ह्यूमिक एसिड जो है ये एसिड में इनसोलुबल है और बेस में सोलुबल है, और पल्विक एसिड जो है ये सोलुबल है एसिड और बेस में। तो इस तरीके से जो हमारे ये स्टेटमेंट है, ह्यूमिक एसिड इनसोलुबल इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है, और पल्विक एसिड सोलुबल इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारे ए बी सी ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अब आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट डी है, वो है ह्यूमिक एसिड हैज लोअर ऑक्सीजन कंटेंट कंपेयर्ड टू पल्विक एसिड। अगर हम कंपैरिजन करते हैं आपका ह्यूमिक एसिड का पल्विक एसिड का, तो मेनली ठीक है, जैसे तो तीन पार्ट आपके बने हैं, ह्यूमिक एसिड, पल्विक एसिड एंड ह्यूमिंस, बट मेजरली जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो ह्यूमिक एसिड और पल्विक एसिड का कंपैरिजन किया जाता है। ह्यूमिक एसिड जो है इनका मॉलिकुलर वेट जो है अधिक होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पल्विक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो है इसमें ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन और नाइट्रोजन ज्यादा होता है। पल्विक एसिड जो है इसमें ज्यादा ऑक्सीजन होता है और कार्बन और नाइट्रोजन कम होता है। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे मैंने आपको ह्यूमिंस के बारे में बताया था, सॉरी ह्यूमिक एसिड के बारे में अभी हमने बात किया कि ये जो है बेस में सोलुबल है, और ये एसिड और बेस दोनों में सोलुबल है, और आपका ह्यूमंस जो है आपका एसिड और बेस दोनों में इनसोलुबल है। पल्विक एसिड में ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, ये जो है आपका फर्दर माइक्रोबियल अटैक इस पे हो सकता है, यानी कि फर्दर इसका डिग्रेडेशन संभव है। अगर हम इसको सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करके जो है देखते हैं कि माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माइक्रोब्स इस पे अटैक करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड जो है ये रेजिस्ट करता है डिग्रेडेशन को, और ह्यूमिंस भी जो है ये रेजिस्ट करता है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन को। तो इस तरीके से जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो क्या था, ये था कि ह्यूमिक एसिड हैज लोअर ऑक्सीजन कंटेंट कंपेयर टू पल्विक एसिड, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट स्टेटमेंट की, क्ले पार्टिकल एक्ट एज ए कोलाइड इन वाटर।
तो जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, आपको सभी को पता है कि ये स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है बच्चों, और इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब क्ले पार्टिकल्स पानी में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो एक तो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे आपके सबसे स्मॉल पार्टिकल्स, सोयल का सबसे स्मॉल पोर्शन जो आप देखेंगे तो वो क्ले पार्टिकल ही है। तो क्ले पार्टिकल जो है उसका साइज बहुत ही स्मॉल है। सेकंड थिंग, नेगेटिवली चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो है आसानी से इजिली सेटल डाउन नहीं होते हैं, और ये ऐसे कोलाइडल पार्टिकल एक्ट करते हैं वाटर में। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से जो है हमारे ये सभी स्टेटमेंट जो है ए बी सी डी, ठीक है बच्चों, ये सभी ए बी सी डी ई, ये सभी जो है सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके साथ हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कराई है, आपने अच्छे से समझा होगा और आपने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ में, उसकी जो है जन्म कुंडली पे बात करेंगे। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ में हमेशा है, हमेशा रहेगी। गॉड ब्लेस यू बच्चों, जियो।